रानिया, 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 मैंने फिर वही ख्वाब देखा, सिस्टर कैथरीन वाला। कलमा पढ़ के सो जाओ। नहीं रानिया, मुझे ये ख्वाब आता रहेगा जब तक मैं सिस्टर कैथरीन की दुआएं नहीं ले लेती। मैंने जाना है रानिया, मैंने किसी भी हाल में जाना है। मैंने उनसे मिलने जाना है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती थी हमारे जमाने में। एक एक महीना लड़कियां कमरे में बंद बैठी रहती थी, और तुम हवाई जहाज में बैठकर मरी जाने की फरमाइश कर रही हो। जी दादू, मैं मरी जाना चाहती हूँ। होश में हो तुम? अरे कोई इस तरह मायूस होकर कहीं जाता है? बाजी, आपके जमाने में दुल्हन हफ्तों मायूं इसलिए बैठा करती थी कि उस पे रूप चढ़े। अब तो 2-4 घंटों में ब्यूटी पार्लर जाते हैं और रूप चढ़ जाता है। शाबाश है, तो ये सब कुछ तुम्हारे शह पर हो रहा है। माँ जी, ये कोई सैर सपाटा करने तो जा नहीं रही। 2-4 रोज से वो औरत इसके ख्वाब में आ रही है, क्या करे? तो आती रही भाई ख्वाबों में, इसे हमें क्या लेना देना? माँ जी, अभी आप गुस्से में हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं, मुझे पता है, वरना आपके मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन रातों के बारे में सोचें जब आप इसकी तन्हाई के बारे में सोच सोच कर ढेरों दुआएं मांगा करती थी। उस वक्त ये सिस्टर कैथरीन की गोद में सर रखकर सो रही होती थी। आपके बाद अगर किसी ने इसको माँ बनकर पाला है तो वो सिस्टर कैथरीन है ना? अच्छा, तो शादी के दूसरे दिन चले जाना ना। इस वक्त तो इसे किसी और से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप खुद सोचें, आप माँ बनकर इसको इजाजत नहीं दे रही हैं, तो क्या वो औरत सास बनकर इसको जाने देगी? उसके लिए क्या अहमियत होगी सिस्टर कैथरीन की? और फिर दूसरे तीसरे दिन तो ये फ्रांस चली जाएगी, फिर पता नहीं कब वापस आए। अच्छा ठीक है, मगर मैं इसे अकेली तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। तुम कॉल करो उसको, अंजुम को, वो आएगी, वो जाएगी इसके साथ। थैंक यू दादू।